आज हम बनाएंगे आलू कोफ्ते का सालन। तो ये मेरे पास कीमा पिसा हुआ है हाफ के जी, और ये कीमे के कोफ्ते के लिए ये मसाले हैं, मिर्चा पाउडर है, गरम मसाला है, नमक है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये बेसन है और हरी धनिया है। तो इसको सब हम कीमे में मिक्स करके इसके कोफ्ते बना लेंगे। और ये सालन का मसाला है, धनिया पाउडर है 2 टीस्पून, 2 बड़े चम्मच है, हल्दी पाउडर 1 चम्मच है, मिर्चा पाउडर 1 चम्मच है, गरम मसाला है और आधा चम्मच, और नमक जायके के मुताबिक है। ये 1 प्याज हमने पीस लिया है सालन के लिए, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो आधा इसमें पड़ेगा और आधा मसाले में पड़ेगा। देखिए ये कीमा है, कीमे में ये हम मसाला मिला देते हैं। ये गरम मसाला है, इसमें ज़ीरा भी है, कोफ्ते में ज़ीरा भी पड़ता है, तो इसमें ज़ीरा भी है, ये नमक है और ये मिर्चे हैं, और इसमें से हम आधा लहसुन का पेस्ट ले लेंगे और आधा अदरक का ले लेंगे, और इसमें और ये बेसन है, बेसन हम थोड़ा पहले डालेंगे, उसके बाद देखेंगे ज़रूरत होगी तो फिर और डालेंगे। इसको सबको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कोफ्ते बन गए हैं, इसको हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा के बनाने से अच्छे चिकने कोफ्ते बनते हैं। ये देखिए कोफ्ते मेरे बन गए, अब इसको हमने तेल चढ़ा दिया है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए मेरे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें हम इसी तेल में अब हम मसाला भून लेंगे। ये देखिए इसी में हम प्याज डाल देंगे, देखिए प्याज लाल हो गई, अब इसमें हम ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डालेंगे। इसमें हमने अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया है, और इसी में हम ये सारे मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, मिर्चा और गरम मसाला। इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे, फिर इसमें आलू डाल देंगे। देखिए भून रहे हैं मसाला, मसाला हमने सारे डाल दिए हैं, इसमें मसाला भून जाएगा तो इसमें हम आलू डाल देंगे और कोफ्ते भी डाल देंगे, दोनों साथ में डाल देंगे। देखिए अब हम मसाले में आलू डाल के भून लेंगे, मसाला मेरा भून चुका है, इसमें हम आलू डाल के थोड़ा भूनेंगे, उसके बाद इसमें हम कोफ्ता डाल देंगे। देखिए आलू भून गया है, और अब इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, तो पानी डाल के इसको धीमी आंच पे हम रख देंगे, जिसमें धीरे धीरे
आलू भी गल जाए और कोफ्ते भी गल जाए। ये देखिए इसमें हमने पानी डाल दिया है। देखिए धीमी धीमी आंच पे ये पक गया है, कोफ्ता भी हो गया है और आलू भी गल गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और डिश आउट करेंगे। देखिए कोफ्ते का सालन पक के तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऊपर से धनिया डाल देंगे, हमने काट के रख लिया था धनिया।